हाँ जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है इंटरव्यू के स्लॉट्स के ऊपर। तो इंटरव्यू के स्लॉट्स, डेफिनेटली इंटरव्यू के स्लॉट मिल रहे हैं और किन्हें मिल रहे हैं? न्यू स्टूडेंट्स को, फ्रेश स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। और कौन सी में मिल रहे हैं? दिल्ली को छोड़ के एंड हैदराबाद को भी छोड़ के मिल रहे हैं, बाकी सभी में कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, इन तीनों में मिल रहे हैं। तो दिल्ली के भी हैं लेकिन बहुत कम है, और ऐसे नहीं है कि वो आपको ट्रैक्ट मिल जाएंगे, वो मिलते हैं कि आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली में ही आपको वीज़ा मिलेगा या बॉम्बे में ही आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड होता है। जेकर आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है, उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी एम्बेसी हो तो वो आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि आप अच्छे से उन्हें आंसर दोगे, ठीक है। तो वो यही चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अभी बात करते हैं रिफ्यूजल स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेन तो अभी रिफ्यूजल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो डेट्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? मिल रही हैं, ठीक है। तो डेट्स मिलती हैं रिफ्यूजल स्टूडेंट्स को भी, लेकिन बहुत कम, ठीक है। जैसे आप लेके चल सकते हो 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन लेके चलो कि आपको डेट पिक करनी है। और रिफ्यूजल स्टूडेंट्स को कोई भी मिल जाए लोकेशन, उनके लिए अच्छी ही है लोकेशन, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही, लास्ट वीक ही, एक रिफ्यूजल बच्चे को वीज़ा लगा है। तो उसका मैंने जल्दी आप शेयर करूंगा, लेकिन वो पंजाब का नहीं है बच्चा, हैदराबाद की लड़की है। तो उसका रिफ्यूजल का निकला है, तो वो आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट्स हैं मिल रही हैं, लेकिन टाइम लग रहा है, ये 15 से 20 दिन तो लेके चलोगे ही चलोगे, फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो रिफ्यूजल के केसेस को मिलती है अपॉइंटमेंट्स। और दूसरा V1 V2 और अदर टाइप्स के अपॉइंटमेंट्स तो हैं, आगे की हैं, ठीक है। तो आप उन्हें एमरजेंसी में डाल सकते हो, और आगे की जैसे अगले साल की है, तो एमरजेंसी में डाल के आपको सितंबर अगस्त ये चीज़ें मिल जाएंगी, इनकी डेट्स मिल जाएंगी। तो होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।